हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर अर्जुन सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर साइंस बुक। लाइक इन जूम क्लासेस आपने देखा होगा, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, सो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी जूम क्लासेस के ऊपर क्लासेस रह जाती है, सो इसलिए उन बच्चों के लिए ये हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी साइंस से रिगार्डिंग क्लास फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स सेवन्थ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। नाइन सेवन टू नाइन थ्री नाइन फोर एट नाइन ज़ीरो, ये हमारे नंबर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज ए होम टू ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ हमारी है जो वो एक घर है बहुत सारी वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स का। लाइक प्लांट्स, इवन द एनिमल्स फाउंड ऑन द प्लैनेट आर वेरी डाइवर्स इन नेचर। एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बहुत डाइवर्स नेचर में होते हैं हमारे इस प्लैनेट पे। दीज क्रिएचर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, अपने भोजन में और अपने खाने खाने की आदतों में। नेस्टिंग हैबिट्स, मोड्स ऑफ लोकोमोशन एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में, फूड में, फूड हैबिट्स में, ये हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ दिस वेरिएशन। हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, इनके हैबिटेट्स के बारे में, इनके फूड के बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हैबिटेट। हैबिटेट बोलते हैं होम, हैबिटेट को आसान भाषा में बोलते हैं होम। जैसे कि आपका होम है वैसे ही एनिमल्स का भी होम है, तो जो एनिमल्स का होम होता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। एनिमल्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह रहते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लीव्स इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, द प्लेस वेयर एन एनिमल लीव्स और इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट, उसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट कितने तरीके के होते हैं हमारे, ये मैंने जूम क्लासेस के अंदर बताया था। हमारे हैबिटेट पांच तरीके के होते हैं, ये दीज आर द फाइव मेन हैबिटेट्स ऑन अवर अर्थ। दीज आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशियन एंड फ्रेश वाटर, ये हमारे पांच तरीके के हैबिटेट्स होते हैं, फाइव टाइप्स। ओके, सो चलो इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ओके, ट्रीज से हमारे बहुत सारे डेंसली कवर्ड रहता है, ऐसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ए फॉरेस्ट इज ए वास्ट रीजन दैट इज कवर्ड डेंसली बाई ट्री एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं बहुत सारी वेराइटीज के, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। इट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, ये एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनका घर है। लाइक लायन, टाइगर, डियर, फॉक्स एंड मंकी विच लीव ऑन लैंड एंड ट्री, जो हमारे लैंड पे भी रहते हैं और हमारे ट्री पे भी रहते हैं। ओके, इट ऑल्सो गिव शेल्टर टू एनिमल्स लाइक हेयर, रैट्स, स्नेक्स दैट लीव इनसाइड बुरोज। बुरोज मतलब हमारे बिल। ओके, हमारे बिल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, सबसे पहले बड़े एनिमल्स हैं हमारे, उसके बाद हमारे छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि रैट, स्नेक्स, हेयर, जो बिल के अंदर रहते हैं, और उनसे भी छोटे एनिमल्स हैं जैसे स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स आल्सो फाउंड इन फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट में बहुत तरीके की वैरायटी के
एनिमल्स हमको देखने को मिल जाते हैं जो ट्रीज पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, बुरोज के अंदर भी रहते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। फॉरेस्ट की लग गया आपको पता है फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए कि फॉरेस्ट किसको बोलते हैं। ओके डेजर्ट, सो डेजर्ट देखे आपने, डेजर्ट के अंदर जो है कैमल, द किंग ऑफ डेजर्ट इज कैमल। कैमल देखा आपने, अपने नियर बाय लोकेलिटी में, रोबोट्स पे, विलेजेस के अंदर देखा है। चलो कोई बात नहीं, डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ए डेजर्ट इज ए सैंडली एंड ड्राई रीजन एज इट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। डेजर्ट के अंदर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता, पानी बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पे। सो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ए डेजर्ट, ये डेजर्ट की डेफिनेशन है, एज इट रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। इट इज यूजुअली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड इन द नाइट। ये दिन के टाइम बहुत ही गर्म रहता है और रात के टाइम बहुत ही ठंडा। ड्यू टू दीज रीजंस द एनिमल्स फाउंड हेयर हैव स्पेशल फीचर, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम टू लिव इन सच हार्श कंडीशन। तभी तो इतनी मुश्किल कंडीशन में वो रह पाते हैं। इसका ये कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, हार्श मतलब कठिन मुश्किल, हार्श मतलब कठिन और मुश्किल कंडीशन। ये इसको अंडरलाइन करना है और अपनी वोकेबुलरी के अंदर भी लिखना है आपको कि हार्श और हार्श का मतलब होता है कठिन और मुश्किल एकदम से। सो मैनी डेजर्ट एनिमल्स हैव ए थिन थिक स्किन, बहुत सारे जो डेजर्ट एनिमल होते हैं उनकी बहुत ही मोटी स्किन होती है, थिक मतलब मोटी स्किन, दैट हेल्प्स देम टू अवॉइड वाटर लूज थ्रू स्वेटिंग। ह्यूमंस है हमको पसीना आता है, लेकिन जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं उनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है ताकि उनको पसीना ना आ सके। हेल्प्स देम टू अवॉइड वाटर लूज थ्रू स्वेटिंग। मैनी अदर्स हाइड इन द बुरोज टू एस्केप द हीट, बहुत सारे बिल के अंदर छुप जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। सम एनिमल्स कैन इवन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडी, बहुत सारे एनिमल्स है जो वाटर को और फूड को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल। कैमल सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये 15-20 दिनों तक बिना खाने खाए बिना पानी पिए रह सकता है। पानी पिए तो रह ही सकता है, खाना खाए 2-4 दिन रह सकता है। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, बैंडिकूट, हेडकॉक एंड डेजर्ट टॉर्टोइस। डेजर्ट टॉर्टोइस मतलब डेजर्ट के कछुए। सो ये हमारा डेजर्ट होता है, वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, वहाँ के जो वहाँ पर अगर कोई पूछे तो वो आपको बताना है डेजर्ट के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है, जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है ताकि वो उनको पसीना ना आए और उनके पानी को बचा सके। अब हमारा अगला टॉपिक है पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होता है, अब डेजर्ट के अंदर तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, पोलर रीजन के अंदर हमारी बर्फ ही बर्फ होती है। सो द रीजन नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। पोलर रीजन की डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे, नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड पोलर रीजन। तो पोलर रीजन ये है, जो हमारा नॉर्थ पोल है उसको क्या बोलते हैं आर्कटिक, और जो हमारा साउथ पोल है उसको बोलते हैं एंटार्क्टिका। ये आपको अंडरलाइन करना है, नॉर्थ पोल हमारा आर्कटिक और साउथ पोल हमारा एंटार्क्टिका। दे आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड स्नो, वो हमेशा आइस और स्नो के साथ कवर रहते हैं। सिमिलरली द हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स आर ऑल्सो कवर्ड विद स्नो ऑल अराउंड द ईयर। जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं वो भी बर्फ से ढके रहते हैं। द एनिमल्स फाउंड हेयर हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर, जैसे डेजर्ट के अंदर हमारे एनिमल्स थे उनमें स्पेशल फीचर्स थे, ऐसे हमारे पोलर रीजन के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी स्पेशल फीचर्स होते हैं। टू कोप अप विद सच कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट से कोप अप मतलब एक साथ सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए उस कोल्ड एनवायरनमेंट से। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फर, उनकी बॉडीज आर कवर्ड विद फर, जैसे वहाँ पे उनकी यहाँ पे हम इनकी
स्किन थिक थी ना, एनिमल्स हैव ए थिन थिक स्किन दैट हेल्प्स देम टू अवॉइड वाटर लॉसिंग थ्रू स्वेटिंग। ऐसे यहाँ पे इनके पास फर होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ द फर। फर के नीचे एक बहुत ही मोटी लेयर होती है फैट की। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव ए थिक लेयर ऑफ ए फैट बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, फर के नीचे, विच कीप्स देम वार्म, जो उनको गर्म रखती है, वो मोटी फैट की लेयर जो उनको गर्म करती है, रखती है। मैनी एनिमल्स लिव्स इन ग्रुप, वो ग्रुप के अंदर रहते हैं टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड ठंड से बचने के लिए वो एक साथ ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फोर ये हमारे पेंगुइन्स हैं, ये एक साथ ऐसे इकट्ठे खड़े रहते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, पेंगुइन, पोलर बियर, सील, स्नोली ओल, स्नोली ओल मतलब जो ठंडे इलाकों में रहने वाला उल्लू है उसको बोलते हैं। वॉलरस, आर्कटिक हेयर एंड आर्कटिक फॉक्स आर सम एग्जांपल ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। तो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट की भी लिखना है कि फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, लाइक लायन, टाइगर, डियर फॉरेस्ट, डियर फॉक्स। और डेजर्ट के अंदर भी देखना है आपको कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि कैमल है, स्कॉर्पियन है, बैंडिकोट एंड अदर दीज। ऐसे आपको पोलर रीजन के अंदर नोट डाउन करके रखना है कि पेंगुइन, पोलर बियर, सील, स्नो ओल एंड सच टाइप ऑफ एनिमल्स लिव्स अराउंड पोलर रीजन, ये पोलर रीजन्स। सो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, ये सब अंडरलाइन करना है आपको, नोट डाउन करके रखना है और लर्न भी करना है कि डेजर्ट के अंदर कौन होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर कौन होते हैं और पोलर रीजन के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और वो कैसे कोप अप विद करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ। कल हम पढ़ेंगे अपने ओशन के बारे में, फ्रेश वाटर के बारे में, और उसके बाद हमारे 5 के 5 हैबिटेट्स कवर अप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।